इतने सारे सिनेमैटिक देखने के बाद आप बोल रहे होंगे ये क्या क्या सिनेमैटिक है। ये तो मैं कल रात दफड़ा हो गया था, एक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ, बहुत लोग ने देख लिया होगा अभी तक, बट नहीं होने वाला इंसिडेंट मेरे साथ हो गया, गलती मेरी थी। तो रात की कितने 2-3 बजे निकला, 3 बजे मैं निकला वहाँ से, 3 बजे एक दूसरे हॉस्पिटल में एक्सरे कराने गए, वहाँ से अभी दूसरे हॉस्पिटल में रात के 4 बजे से लेके अभी सुबह के 11 बजे होने 10-11, अभी तक हम यहीं बैठे। अभी मेरा टेम्परेरी प्लास्टर हुआ है तो सर्जरी होगा, अभी सर्जरी होने के बाद वो लोग वापस बोन को पोजिशन में लेके आ गए, फिर खिलेट हो गएंगे, फिर एक प्लेट बिछाएंगे, प्लेट लगेंगे ताकि वो सही हो जाए। बहुत गंदा पेन हो रहा है, कंट्रोल कर रहा हूँ, रावण भाई काम जानते हैं कैसा कंट्रोल कर रहा हूँ। बस एक बार ये सर्जरी हो जाए तो बोन वाला जो रिलीफ है मिल जाएगा, उसके बाद अपन क्विक रिकवर हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, स्ट्रांग है अपन, मेंटली भी स्ट्रांग है। आप लोगों का प्यार जो देखा मैं इंस्टाग्राम पे भी, सब डाल रहे गेट वेल सुन देख के अच्छा लगा। अब ये प्लास्टर सर्जरी के बाद निकल जाएगा, उससे मेरा हाथ रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने, 1 महीना भर लगेगा। बाकी इन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था भाई, तुम्हारा एक्सपीरियंस? रात भर से लोग मेरे साथ घूम रहे, ज्यादा नहीं, थोड़ा मस्कुलर स्प्रेन हुआ होगा भाई, गुस्सा था जब हॉस्पिटल के अंदर तेरे को देखा, लग रहा था मैं भी जाऊंगा पहले तो ये लैंड तो रेस्ट मिल गया, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा मतलब सेम रहा कि यार मतलब लगा था कि जैसे क्रैम्प आया होगा नॉर्मल सा, बट जब वीडियो देखे तो बट ओवरऑल भाई हम लोग वैसे ये हम लोग को खुद डर लग रहा था, मतलब जो देखे हम लोग खुद डर गए थे कि भाई क्या हो गया, क्या भी हो गया, कैसे हो गया, बट जब इसके सामने आ रहे तो लाइक कॉन्फिडेंट, नहीं कोई सीन नहीं है, हो जाएगा सब ठीक, मतलब फुल मोटिवेट करते हुए आ रहे और अभी भी मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब लाइन नहीं नहीं ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स फुल मोटिवेट भी अभी तक कोई सीन नहीं है, जस्ट 1.5 में मैक्सिमम घर पे बताने का टेंशन ना, रात के 4 बजे को कॉल किया बताया, वो उल्टा मेरे पे भर दे रही थी, राहुल भाई को फोन किया, अभी मैं बात करने लायक सिचुएशन मिल गई, बहुत गंदा फील कर रहा था, सिस्टर से बात करे, पेरेंट्स से बात करे, अभी मेरे पेरेंट्स आएंगे, आ जाऊंगा बैक इन एक्शन, अभी देखते हैं अभी सर्जरी के बाद क्या होता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गाइस, कल सर्जरी हुआ, 5 बजे हुआ ना, अलग दुनिया में पहुंच गया था, कल एनेस्थीसिया दिए थे, सर्जरी हुआ, अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा, बोन जो क्रैक हुआ था उस पर स्क्रूज प्लेट सब लग गया, अभी राइट साइड जहाँ सर्जरी है वहाँ पे कल सर्जरी के बाद वो हाथ को डेड कर दिया था, हाथ को पूरा डेड कर दिया था, मतलब सुन हो गया था पूरा हाथ, अभी धीरे धीरे वो हाथ एक्टिव हो रहा, सेल्स वापस काम करने, तो पेन ज़्यादा हो रहा सर्जरी के बाद, अभी सब तो सही चल रहा, पेन अभी बेरेबल है, मतलब सहन कर पा रहा हूँ, देखेंगे आगे कैसा होता, सर्जरी अभी कंप्लीट हुआ है, 20-30 दिन में रिकवरी कर देने का, सर्जरी कंप्लीट हो गया, पता चला सर्जरी में कि जो पहले जो एक्सरे में जो क्रैक आया था वो क्रैक तो था ही, अब बाद में जब सर्जरी कर रहे थे इंटरनली और क्रैक्स थे, तो बहुत डेंजर हो गया था, मतलब वैसे तो है माइनर फ्रैक्चर बट रिस्की था ये करना, आर्म रेस्टिंग एंड ऑल, कोई मत करो, मेरी बकचोदी में मस्ती मजाक में इतना सब कुछ हो गया, क्या अभी इससे सीखो, उन्होंने सुन कर दिया था, पहले तो एनेस्थीसिया दे देता पूरा बेहोश, अब जाके थोड़ा होश में आऊँ, ब्रश वश किया हूँ, फ्रेशअप हुआ, देखते भी आगे क्या रहता प्रोसेस। ब्लॉग के लिए रे कैमरा दूर रख, हाँ दूर से देख कैमरे को, देखो गए देखो मजाक उड़ा रही हाथों का, मरफा करोगे थे, चल पैसे दे तेरे को कैमरे में, ब्लॉग में लिया इतने बड़े ब्लॉग में, ऐसा क्या सब उठ रहा था, एक देख अब तक जा रही हमने बोलता कि बच्चे ऐसे मजाक कर रहे तो मैं ऐसे मजाक नहीं करता हूँ, उसकी इंजुरी पे मैं कुछ बोल दूँ तो उसके बाद से तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया ना, ये सब तभी हुआ, अच्छा एक्सीडेंट होने के बाद तेरा दिमाग काम कर रहा तो गाइस नेक्स्ट डे 22 को सर्जरी हुआ था, रात के 23 को मैं सर्जरी के बाद जब उठा 23 को एकदम फिट थे, तो डॉक्टर बोले कि डिस्चार्ज कर दो, डिस्चार्ज कर लिए, कल रात को होटल में आ गया था, मैं दोपहर तक आ गया था होटल में, रेस्ट करा, आज ड्रेसिंग होगा, ड्रेसिंग बोल तो प्रॉपर पट्टी बनेंगे जहाँ पे स्टिचेस आए, और अपना क्या बोलते हैं स्टिचेस एक 10 दिन बाद निकाल सकते, 10 से 15 दिन के अंदर स्टिचेस निकाल देंगे, वो लोग फिट है अपन एकदम, डॉक्टर भी खुश है अपने को देख के, सर्जरी के एकदम तुरंत बाद अपन ऐसा एकदम फिट स्ट्रांग है, जल्दी रिकवर हो जाएंगे, एक 10-15 दिन की बात है, हाथ की मूवमेंट तो पूरी हुई बस हाथ सीधा नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी, अब तो ऑफकोर्स अभी सर्जरी हुई, 10-15 दिन बाद स्टिचेस जब खुल जाएंगे तब मैं हाथ सीधा कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ,
बस अभी प्रिकॉशंस लेना है अच्छे से। तो गाइस ड्रेसिंग करा के मैं आ गया होटल रूम में वापस। अभी हैदराबाद जाने गए, घर को जा रहा हूँ अभी। थोड़ी देर में फ्लाइट है, 3 बजे की फ्लाइट है। फोर्टिस हॉस्पिटल में मैं था 2-3 दिन से, एंड जिस हिसाब से हॉस्पिटैलिटी उन लोगों की है नेक्स्ट लेवल थी। बहुत अच्छे से केयर किया नर्सेस ने, एंड मेन तो डॉक्टर्स, तो 3 मेन डॉक्टर्स थे, डॉक्टर अमित, डॉक्टर किरण, डॉक्टर अपने डॉक्टर जयंत। ये तीनों डॉक्टर्स ने जो केयर किया मेरा, जिस हिसाब से मेरे को ट्रीट किया, जिस हिसाब से मेरे को पूरा समझाया क्या प्रोसेस है क्या नहीं, मेरे पेरेंट्स को जिस हिसाब से समझाया, बहुत ज़्यादा सही था। मेरा तो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस था, बट जिस हिसाब से पूरा हॉस्पिटल में जो भी नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, जिस हिसाब से वो लोग अपने पेशेंट को ट्रीट करते ना, वो कुछ ज़्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा, ऐसा लगा कि कुछ डर ही नहीं था ऐसा सर्जरी वर्जरी का, वो उन्होंने ऐसा फील ही नहीं कराया। क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा था ना, डॉक्टर्स फैबुलस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। एंड सर्जरी हो गया मेरे, वो स्टिचेस नहीं है एक्चुअली, वो क्या बोलते हैं उसको, क्लिप्स, स्टेपल्स है, मतलब पूरे हाथ पे वो स्टेपल्स है। 15 दिन में वो स्टेपल्स निकल जाएंगे, मैं प्रॉपर मूवमेंट कर सकता हूँ थोड़ा। अभी प्रॉपर मूवमेंट तो हो रही है हाथ की, बट ऊपर नीचे हाथ नहीं करूँगा अभी। प्लास्टर वास्टर कुछ नहीं है, सीधा नॉर्मल हाथ है। एक पैड लगाया है, वाटर प्रूफ पैड है ना, वो लगाया हाथ पे बस। बाकी कोई पट्टी वट्टी कुछ बांधना नहीं है, हमारा एकदम फिट है। डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से अपने को पूरा समझाया क्या करने का, आगे क्या नहीं करने का। गलती हो गई हफ्ते, छोटे से मजाक में बड़ा इंसिडेंट हो गया, ये आप लोग मत करना। आर्म रेसलिंग कैसा है बोलो, टेक्निक का गेम है पूरा, टेक्निक आपको होनी चाहिए। एंड मैं फन में मस्ती में ऐसे बैठ गया, मैं देखा नहीं कौन सा एंगल पे बैठा मैं, क्या बैठा, तो हाथ का एंगल गलत था मेरा। उस वजह से शोल्डर का मसल मेरा राइट को प्रेशर दे रहा था, फोरआर्म का मसल लेफ्ट को दे रहा था। तो एकदम से जब वो झटका पड़ा तो ट्विस्ट हो गया मसल, बोन ट्विस्ट हो गई, उस वजह से ब्रेक हो गया बोन। एंड आर्म रेसलिंग में जब भी आप बैठते हो तो आमने सामने सीधा बैठ के करने का, ये सब मेरे को बाद में पता चला। तो फन में कर रहा था, उसमें इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। तो आप लोग ऐसा इतना केयरलेस मत होना, आप लोग ध्यान देना अपना। ये मेरा एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि मस्ती कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है, बट मैं स्ट्रांग हूँ, मैं रिकवर हो जाऊँगा। आप लोग भी ध्यान रखना, छोटी मोटी गलती कभी कभी भारी पड़ जाती है, आपके पेरेंट्स बहुत सफ़र करते इस चक्कर में। तो बस यही है, एक छोटा सा लाइफ लेसन मिल गया मेरे को कि नहीं करने का ये सब, जैसा चल रहा है शांति से चलो, ज़्यादा एक्स्ट्रा काम मत करो। और एक थैंक्स मेरे को वापस बोलना था अपने रावण भाई को, स्पेशली टॉम को, घातक भाई को, सांगवान को, ये चारों ने मतलब मेरे साथ थे पूरा टाइम, अपडेट देते गए क्या। पहले तो वहाँ से जब इंसिडेंट हुआ था, वहाँ से सांगवान और घातक भाई ने मेरे को लेके गए थे। एक नॉटविन का एक और एक बंदा था, नॉटविन मैनेजमेंट से एक भाई थे, उनका नाम मेरे को नहीं पता, बट वो भाई ने भी मेरे को बहुत हेल्प किया, बहुत मोटिवेटेड रखा। घातक भाई, सांगवान भाई दोनों साथ में थे सुबह के 6-7 बजे तक, उसके बाद वो लोग चले गए थे। बाद में टॉम और रावण भाई पूरी रात भर थे मेरे साथ, सुबह तक थे जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आए, तो लोग मेरा ख्याल रख रहे थे। तो उसके लिए तो पहले तो थैंक यू, स्पेशली आप लोग गाइस, जो आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब कमेंट्स में जो आप लोगों ने प्यार दिया है मेरे को, जिस हिसाब से आप लोगों ने मेरे लिए प्रे किया है, गेट वेल सून के इतने सारे मैसेजेस मैंने देखे थे इंस्टाग्राम पे, इतने लोगों ने, पूरी IGC ने, पूरी कम्युनिटी ने मेरे लिए प्रे किया था। एंड उस वजह से अपन आज अभी एकदम ओके, बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। बहुत सारे लेसन्स मेरे को सीखने मिले एक छोटे से इंसिडेंट से, एंड ये किस्मत में था, होना था, हो गया। भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, रिस्ट में कुछ नहीं हुआ, एल्बो में कुछ नहीं हुआ, शोल्डर में कुछ नहीं हुआ, मेन ये मसल में, मेन ये बोन में कुछ भी नहीं हुआ, वरना बहुत लफड़ा हो जाता, बहुत लंबा जाता था ऐसी। बट थैंक गॉड कि ठीक है, छोटा सा माइनर फ्रैक्चर था, बट बहुत कुछ सीखने मिला इस चीज़ से। अब ये ब्लॉग कैसा रहेगा मेरे को नहीं पता, बट अगर आप लोगों को ये देख के कुछ, आप लोगों को ये ब्लॉग देख के कुछ सीखने मिला तो ज़रूर कॉमेंट करके मेरे को बताना। एंड जो लोग ने भी प्यार दिया, उन लोगों के लिए जितना बोलूँ उतना कम है भाई, जितना आप लोग प्यार दे रहे, जितना आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं मेरे को मेरे बैड फेस में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले टाइम पे जैसे रिकवर हो जाऊंगा, फुल मचाएंगे अपन, खेलना स्टार्ट कर देंगे 10-15 दिन में, 1 महीने भर में आपको वापस बैक इन फॉर्म दिखता हूँ मैं। पीस आउट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइस।